हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कॉन्टैक्टर्स के बारे में। तो आज आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कॉन्टैक्टर्स क्या होते हैं, उनको चेकिंग कैसे करते हैं, उनका यूज़ क्या होता है, उनका वायरिंग कैसे होता है, अगर कॉइल को कैसे चेक करते हैं कॉन्टैक्टर के, ये सब मैं बताऊंगा। और कॉन्टैक्टर्स के भी टाइप्स होते हैं। मानो एक तो अपना जनरल पर्पस कॉन्टैक्टर होगा और दूसरा रहता है स्पेशल पर्पस कॉन्टैक्टर्स, उसके भी बारे में आपको बताऊंगा। तो ये देखो, ये एक जनरल अपना कॉन्टैक्टर है बेसिक पर्पस के लिए। और वही ये जो है, ये ऊपर आप देख रहे हो, ये कुछ एड ऑन है इसको। तो ये कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर्स है। तो ये यूज कहाँ पे होंगे, इसका प्राइजेस कितना है, इसका साइजिंग कैसे चेक करेंगे, तो ये पूरा पूरा डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, व्हाट इज कॉन्टैक्टर? तो इसका जवाब भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसी तरह कॉन्टैक्टर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल स्विचिंग डिवाइस। माने हमारे जो घर का बटन होता है जहाँ से लाइट चालू होता है, वैसे ही बस ये इलेक्ट्रिकल में ऑटोमेटिक स्विचिंग के काम आता है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि कॉन्टैक्टर क्या है, तो बता दो इलेक्ट्रिकल स्विचिंग डिवाइस, बस ख़त्म, इतना ही। अभी इसको हम ऑटोमेटिक स्विचिंग जहाँ पे लगता है वहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक लिफ्ट है, ये मान लो आपका लिफ्ट है और यहाँ पे दो बटन है, ये ऊपर वाला दबाया तो लिफ्ट ऊपर जाएगा और ये नीचे वाले दबाने से लिफ्ट नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका फंक्शन के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक पैनल होगा, उसमें दो कॉन्टैक्टर्स होंगे। तो एक सप्लाई आएगा इसके एनो को, वो जाएगा इस बटन से। तो मानो आपने ये बटन दबाया तो सप्लाई इसके एनो तक गया, वो ये कॉन्टैक्टर एनसी हो गया, ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, तो लिफ्ट जाएगा मोटर से ऊपर और सेम नीचे का बटन होके जाएगा यहाँ पे एनो को, ये कॉन्टैक्टर स्विच ऑन होगा और लिफ्ट आएगा नीचे। तो बेसिक चीज है, जहां पे भी आपको ऑटोमेटेड स्विचिंग करना है इलेक्ट्रिकली, तो वहां पे आपको कॉन्टैक्टर आएगा ही आएगा। तो अब ये एनओ क्या होता है, एनसी क्या होता है, ये तो पूरा अलग ही कंसेप्ट है। इसके बारे में मैं पूरा अलग से वीडियो बताऊंगा जहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये अगर अभी समझाते बैठूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी कॉन्टैक्टर यहीं पे समझ लो। तो ये एक जनरल पर्पस कॉन्टैक्टर्स है। तो ये जो L1, L2, L3 देख रहे हो आप, वो कुछ नहीं बल्कि ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, तो माने RYB, और वही नीचे कम माने आपका जो भी आपका इनकमिंग आएगा यहाँ से होके आएगा। और ये T1, T2, T3 ये जो है वो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, यहाँ से आपका आउटगोइंग जाएगा। मतलब आपको नीचे मोटर लगाना है तो उसका जो वायरिंग है वो यहाँ से होगा। अभी ये देख रहे हो 13, 14, ये दोनों टर्मिनल्स जो है वो NO है। NO माने नॉर्मली ओपन। या अगर आपको ऐसा कुछ फंक्शन चाहिए कि ये जो कॉन्टैक्टर है अगर ये स्विच ऑन हो गया तो आपको एक इंडिकेशन लैंप चाहिए या कुछ चाहिए, तो उसका सप्लाई एनओ से होके जाएगा और ये आपका स्विचिंग हो गया कॉन्टैक्टर का। तो कुछ नहीं, यही स्विचिंग अगर आप इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करना चाहते हो ऑटोमेटिकली, तो कॉन्टैक्टर लगा दो बस। अभी ये देखो, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल, A1 A2 क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज़। माने ये A1 A2 इज नथिंग बट कॉइल सप्लाई, वो मैं अभी ये कॉन्टैक्टर खोल के आपको दिखाऊंगा। तो अभी ये 240 वोल्ट है, माने A1 या A2 किसी में भी आप एक फेज दे दो और दूसरे इसमें न्यूट्रल दे दो, तो आपका कॉन्टैक्टर कॉइल चालू हो जाएगा। तो चलो मैं आपको एक कॉन्टैक्टर खोल के ही दिखा देता हूँ। तो ये देखो, इसका जो मैंने दोनों तरफ से कनेक्शन निकाल दिया, तो जैसे ही आप खोलोगे आपको यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट्स है, और ये जो है पार्ट, ये आपका कॉइल है कॉन्टैक्टर का, और यही कॉइल अभी इन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है, यही कॉइल आपका 240 वोल्ट का। ये देखो, ये जो था ये आपका A1 A2 था, यहाँ पे ही आपको सप्लाई देना होता है। माने वो कनेक्ट होके यहाँ से कॉइल को ही जाता है, ये देख रहे हो आप कॉपर का, तो कॉइल का ही टर्मिनल है। और ये जो स्प्रिंग है, ये देखो, ये उस ऑपरेशन के लिए स्विचिंग। तो आप अगर यहाँ से स्विचिंग करते हो तो स्प्रिंग पुश करके ये जो आपको कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट
ये मूव होके ये कॉन्टैक्ट से कनेक्ट कर देगा। माने जब ये कॉन्टैक्ट और ये कॉन्टैक्ट कनेक्ट कर देगा एक दूसरे से, तो ये कॉन्टैक्टर स्विच इन हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक फंक्शन है। ये अगर मैन्युअली नहीं करने का, तो हम इलेक्ट्रिकली कैसे होता है? सपोज आप अभी आपने इस कॉइल को वोल्टेज दे दिया, सप्लाई दे दिया, तो कॉइल मैग्नेटिज्म जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, और यही मैग्नेटिज्म से ये कॉन्टैक्ट और ये कॉन्टैक्ट कनेक्ट हो जाएगा एक दूसरे से, तो कॉन्टैक्टर स्विच इन हो जाएगा। बस इतना सा बेसिक लॉजिक है कॉन्टैक्टर का। तो अब बात करते हैं इसके साइजिंग की। तो ये कॉन्टैक्टर का जो साइजिंग है, जनरल पर्पस कॉन्टैक्टर आकर रहेगा, तो उसका होता है एम्पेयर रेटिंग के हिसाब से। मानो आपका 16 एम्पेयर है, 32 एम्पेयर है, 25 एम्पेयर है, या 50 एम्पेयर है, जो भी हो अपना जितना भी आपका करंट है, उस हिसाब से कॉन्टैक्टर आपको ये मिल जाएगा। अभी तीसरा जो है, इसको आप चेकिंग कैसे करोगे कि ये सही है, गलत है, या कुछ हुआ ऑन साइड? तो इसका भी दो स्टेप्स है, पर मैं आपको सबसे सिंपल, अभी एक तो आप मल्टीमीटर से कर सकते हो, पर बहुत सारे जनों के पास मल्टीमीटर अगर रहेगा नहीं, तो कंटिन्यूटी मीटर जो है वो तो सबके पास होता है। तो बहुत इजी चीज़ है, मैं आपको सीधे सीधे कंटिन्यूटी मीटर से कैसे चेक करते हैं वो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये स्विच ऑन होगा तो लाइट जलेगा। तो सबसे पहले कॉन्टैक्टर जाने का तो मेन रीज़न यही होता है कि आपके कॉइल में कुछ गड़बड़ हो। और कॉइल का कॉइल वोल्टेज क्या होता है, मैंने अभी तो आपको बताया A1 और A2। अगर A1 और A2 ये सर्किट कंप्लीट होगा, माने कंटिन्यूटी होगी, तो आपका कॉन्टैक्टर डेफिनेटली अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो उसको चेक करो, ये देखो, एक टर्मिनल A1 में, एक टर्मिनल A2 में, तो ये जल रहा है, माने कॉन्टैक्टर इज फंक्शनिंग वेल। अगर ये नहीं जलेगा तो डेफिनेटली आपके कॉइल में कुछ इश्यू है, ऐसा आप समझ जाना। दूसरा होता है यहाँ पे, अभी मैंने क्या कहा था, इनकमिंग L1, L2, L3 से आएगा और आउटगोइंग आपका T1, T2, T3 से जाएगा। तो जब कॉन्टैक्टर आप स्विच ऑन करोगे, तो यहाँ पे जो इनकमिंग सप्लाई होगा वो यहाँ से आउटगोइंग आना चाहिए। तो ये देखो, L3 पे एक रखा और T3 पे एक रखा। तो अभी जो है, मैंने कॉन्टैक्टर स्विच ऑन नहीं किया, तो ये देखो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, पर जब मैं कॉन्टैक्टर स्विच ऑन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सप्लाई नीचे आ जाएगा और ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। सही, माने ये कॉन्टैक्टर अभी सही है। तो ये बस ये दो ही चीजें होती है इसमें। अभी ये देखो, ये कुछ नहीं, ये और ये सेम कॉन्टैक्टर है, बस इसके ऊपर अगर ये जो है एड ऑन ब्लॉक लग गया, तो आपका हो गया वो कैपेसिटी ड्यूटी कॉन्टैक्टर्स। और यहाँ पे भी सेम है, L1, L2, L3, NO, A1, A2, बस इसमें एडिशनल है कि ये है कि NCB है, NC माने नॉर्मली क्लोज। यानी ये जो है एड ऑन ब्लॉक, ये क्या होता है, यहाँ से जो आपका वायर गया है वो L1, L2, L3 पे गया है, ये पूरा परमानेंटली कनेक्टेड होता है। ये कुछ नहीं, बस आपका रेजिस्टर होता है, ये रेजिस्टर ब्लॉक होता है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मानो समझो, अगर आपका जो इनरश करंट है, इनरश यानी स्टार्टिंग का करंट, अभी कोई भी, तो अभी इनरश करंट होता क्या है, इनरश करंट कुछ नहीं बल्कि एक स्टार्टिंग करंट होता है। स्टार्टिंग में जितना भी करंट अपना कैपेसिटर या कुछ लेगा, दैट इज नथिंग बट इनरश करंट। अभी ये देखो, अगर आप एक ग्राफ निकालते हो, ये आ रहा है आपका करंट और ये टाइम। अभी ये स्टार्टिंग को तो कैपेसिटर बंद है, जैसे आप कैपेसिटर स्विच ऑन करोगे वैसे एक पीक करंट आ जाएगा इसमें, ऐसे होके फिर ये नॉर्मली ये लेवल पे आ जाएगा। तो ये इतना जो टाइम फ्रेम है, ये होता है आपका इनरश करंट। स्टार्ट होने में ज़्यादा करंट लग जाता है, लेकिन अभी जनरल को देखो, मैंने क्या कहा था, इसको हम एम्पेयर रेटिंग के हिसाब से सिलेक्ट करोगे। अभी एक एग्जांपल ले लो, सपोज आपने ये जो है वो 50 एम्पेयर का कॉन्टैक्टर लगा दिया, लेकिन आपका इनरश करंट जो है स्टार्टिंग करने में ये 100 एम्पेयर गया, तो होगा क्या इसका? ये तो खराब हो जाएगा, कॉइल जल जाएगा इसको, तो इसका यूज करने से कुछ मतलब है ही नहीं। पर लेकिन अगर आप ये कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर्स यूज करते हो उस वक्त, तो ये डैम्पनिंग रेजिस्टर होता है, तो ये इनरश को ये क्या करता है अभी, और यही अगर आप 50 एम्पेयर का यूज करोगे, तो वो जो है ये स्टार्टिंग, जिधर आपका 100 एम्पेयर था ये वाला, तो इस पोर्शन को वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके कट डाउन करेगा और एक 30-40 एम्पेयर तक ही लाएगा।
माने आपका कॉन्टैक्टर भी बच गया, आपका स्मूथ स्विचिंग भी हो गया कैपेसिटर का, और पावर क्वालिटी भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। तो ये बेसिक फंक्शन होता है ये कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर्स का और ये रेजिस्टर ब्लॉक्स का। तो ये था इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो ये दोनों का यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। तो इसका एप्लीकेशन बेस्ड यूज ये है कि अगर जो भी आपका पैनल वो सब रहेगा, अगर लिफ्ट के लिए है या लाइटिंग लोड के लिए है या मोटर के लिए है, तो ये जनरल कॉन्टैक्टर चल जाएगा इसमें। लेकिन जहाँ पे भी आपका इनरश करंट ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर्स ही लगेगा, ये वाला काम नहीं करेगा, ये खराब हो जाएगा तुरंत। तो इसलिए ये यूज़ करते हैं। और अगर आप इसका ये जो कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर्स है उसका अगर आप साइजिंग की बात करोगे तो इसका एम्पियर के हिसाब से नहीं होता, इसका KVAR के हिसाब से होता है। मानो इसका कैपेसिटर कितने KVAR का है, सेम इतने का ही आपको इसमें वेरिएंट मिल जाएगा। अगर 5 KVAR का कैपेसिटर है तो 5 KVAR का ही CDC लगेगा, CDC माने कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर्स। 7.5 का है तो 7.5 का ही लगेगा, 10 का है तो 10 का ही लगेगा, ऐसे। तो इसका साइजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है और आपका हेडेक भी बच जाता है तुरंत। तो बस यही था। अभी आपको अगले वीडियो में मैं NONC इसको पुश बटन से और LED इंडिकेशन से कैसे सप्लाई आता है वो पूरा कंट्रोल करके दिखाऊंगा। अगर आप चाहे तो वो मुझे नीचे आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप कॉन्टैक्टर्स अभी तक तो सीख गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।